तो आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड के बारे में, और एडवांस एक्सेल की हमारी ये नई बैच है और फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि हम पहली क्लास में ही सिलेक्शन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? मतलब हम टॉपिक को सिलेक्शन से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, टॉपिक को सिलेक्शन से स्टार्ट करने के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि हम कुछ भी करते हैं एक्सेल में, उसके लिए सिलेक्शन रिक्वायर्ड। जैसे हम एक एरिया सिलेक्ट करते हैं, उसी के उसके बाद ही हम फिल्टर लगाते हैं, शॉर्टिंग लगाते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, कॉपी करते हैं। एवरी एक्शन डिपेंडिंग द योर सिलेक्शन। मृण जी, मैंग जी, वैसे ही बोल रहा हूं मैं, बिना सिलेक्शन के तो कुछ नहीं कर सकते ना सर। तो हम पहले सिलेक्शन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद बाकी चीजों के बारे में सीखेंगे। तो मैं एक छोटा सा डेटा आपके सामने बनाया है, अब इसको देखिए कैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अगर आप माउस को सिलेक्ट करने जाएंगे तो क्लिक करके आप क्लिक को होल्ड रखते हुए माउस को मूव करेंगे तो सिलेक्शन होते जाएगा। अब माउस से ही आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों ना आप स्टार्ट ऑफ द डेटा और शिफ्ट के साथ लास्ट ऑफ योर डेटा। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले सेल पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सेल में क्लिक करें। सिलेक्ट हो गया। या करते लास्ट वाले पे क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करें, डेटा सेट होगा। मैं कहने का मतलब कि अगर आप यहां पे क्लिक करते हो और नीचे क्लिक करते हो तो कर्सर मूव होके यहां आ जाता है ना सर, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक करते तो मूव नहीं होता है, मूव नहीं होता है, सिलेक्शन होते हुए उस क्लिक वाले ऑप्शन पर आ जाता है, चाहे रो वाइज कॉलम वाइज हो या रो वाइज हो। तो सेम यही पे एप्लीकेबल होता है, स्टार्ट में क्लिक किया और लास्ट में क्लिक किया, डेटा सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड सिलेक्शन की बात करें तो हम लोग जनरली कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की का इस्तेमाल करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग कंट्रोल ए का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए ऐसे जनरली उसमें सिलेक्ट ऑल करते हैं, बट वो एक्सेल सिलेक्ट ऑल नहीं करती, एक्सेल करती है सिलेक्ट करेंट रीजन। तो जो होम मेनू बार के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट होता है उसी में होता है गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल के अंदर होता है करेंट रीजन, तो करेंट रीजन को सिलेक्ट कर लिया। अब एक करेंट रीजन होता क्या है, मतलब कि करेंट रीजन मतलब कंटिन्यूअस डेटा। जैसे कि बीच में अगर मैंने एक ब्लैंक रो कर दिया, मतलब कि मेरा डेटा की कंटिन्यूअस यही पे खत्म हो जाती है, क्योंकि बीच में उसको एक ब्लैंक रो मिल गया। अब मैं यहां पे कंट्रोल ए करूंगा तो मेरा डेटा इस ब्लैंक रो के ऊपर ही जाएगा, नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो आपको यहां पे अगर कंटिन्यूअस, मैं कंटिन्यूअस की बात की, अगर पूरी की पूरी रो ब्लैंक है तो कंटिन्यूअस टूटती है, अदरवाइज अगर किसी एक सेल में वैल्यू डली हुई है तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं टूटती है, तब वो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट होता है। ठीक है मैम जी एंड मिलिंद जी, डाउट में? नहीं, वो करेगा करेगा, क्यों नहीं करेगा, आप यहां से इसको क्लिक करके ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि माउस की सिलेक्शन जो है आप एक सिलेक्टेड एरिया में करेंगे ना, मेनू एक डेटा पे करेंगे ना। अगर आपके पास डेटा मान लीजिए 10-65 हजार है या फिर लाख डेढ़ लाख का डेटा है, तो उस समय माउस लेके जाएंगे तो नीचे 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 तो काफी थोड़ा सा टाइम लगता है। पॉसिबल तो है सर, बट टेकिंग द टाइम, उसमें हम लोग कंट्रोल ए कर देते हैं तो लग जाता है। बट होता है क्या है कि आपके पास अगर लाख डेढ़ लाख रुपए का डेटा है और बीच में कहीं ब्लैंक है और आपको चीज पता नहीं है तो क्या होगा, ऊपर सेलेक्ट, ऊपर ही डेटा सेलेक्ट होगा, नीचे डेटा सेलेक्ट होगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं,
जैसे कि कई बार हमने देखा है वो फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर में उनको डेटा जो ढूंढना चाहते हो मिलता नहीं है, वो मिलता नहीं है तो फिर मुझे फोन करते हैं सर मैं फिल्टर लगा दो, डेटा फिल्टर में आग हो जाए। मैं बताता हूँ कि नीचे जो आपका डेटा है जी हाँ, तो ब्लैंक में पूरी की पूरी रो होनी चाहिए। अगर किसी एक रो में भी कुछ टाइप है तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर कंट्रोल ये करते हैं पूरा सेक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह से आपका जो होता है कॉलन होता है कि अगर एक ब्लैंक कॉलन है तो उससे पहले डेटा सेलेक्ट होगा कंट्रोल ये करने पे, और बीच में अगर ब्लैंक नहीं है किसी एक पे है तो पूरा सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल ए करने से पहले इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे, कंट्रोल ए करने से पहले इसका ध्यान जरूर रखेंगे आप। एक चीज मैं मिलिंद जी मैं समझाता हूं, सारी क्वेश्चंस आपके आ गए थे, मैं आपकी सारी क्वेश्चंस मैं दूंगा क्योंकि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो हमारे अगली टॉपिक हो सकती है। तो एक बार क्लास को ऑब्जॉर्व कर ले, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाती है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। जो ये पूछना चाहते हैं मैं बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो पहले आप ऑब्जॉर्व कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिए, कुछ नई चीज है तो टॉपिक खत्म होने के बाद पूछ लीजिएगा। मुझे इंश्योर है कि आफ्टर द टॉपिक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि आप जो पूछना चाहते हैं वो सारा मैं इस कोर्स में कुछ टॉपिक में इंक्लूड कर रखा हूं। तो जैसे कि आपने यहां पे देखा, तो जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अगर ब्लैंक ना हो तो क्या हो, तो उस केस में जैसे मान लीजिए कि यहां पर ब्लैंक है, राइट। तो यहां से हम माउस से सिलेक्शन तो कर ही सकते हैं, मैनुअली जो हमारा कीबोर्ड सिलेक्शन होता है कीबोर्ड सिलेक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा डेटा पे थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसमें जो है स्टार्टिंग और एंडिंग क्लिकिंग जो है वो सही है कि आप स्टार्ट पे कर्सर रख दें और नीचे चले जाएं और जहां जाना वहां पे क्लिक कर दें, आपका ऊपर का पूरा सिलेक्शन हो जाता है स्क्रॉल करके, एक तो होता ही है। उसके अलावा जो है एक और होता है कि सबसे लास्ट पे क्लिक कर लें, कंट्रोल शिफ्ट होम पे क्लिक कर दें, कंट्रोल शिफ्ट होम। तो क्या हुआ कि अगर लास्ट आपका डेटा पे चले गए, वहां पे आपने कर्सर रख दिया और वहां से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट होम प्रेस करेंगे तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब बीच में आपका ब्लैंक रो है कॉलम है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। और स्टार्ट से आप नीचे आना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड, आपकी कीबोर्ड में एक जो होता है होम का बटन है, होम के नीचे आपको एंड का बटन होगा, डिलीट के बगल में होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप जहां पे कर्सर रखे हैं वहां से कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट होम की आपकी पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है ऊपर तक, अगर ऊपर में है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड करते हैं तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। बट कंट्रोल शिफ्ट एंड में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आप देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कॉलम एंड रो भी सिलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल शिफ्ट होम या कंट्रोल शिफ्ट एंड क्या करता है, यूज्ड सेल के अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए एन कॉलम में मेरा डेटा नहीं है, चाहे 20 नंबर टू रो में डेटा नहीं है, फिर भी इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसको मैंने यूज किया था, अभी यूज करके इसको डिलीट किया था इसलिए इसने इसको कंसिडर किया। तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट होम यूज्ड सेल को सिलेक्ट करता है, इसको सिलेक्ट करता है यूज्ड सेल को। अगर मान लीजिए कि ऊपर में बहुत सारे आपके ब्लैंक है, अब फिर आपने लास्ट में जाकर कंट्रोल शिफ्ट होम कर दिया तो ये ब्लैंक को भी सिलेक्ट करेगा, होम इसको स्टार्टिंग में पहुंचना है, और यही सब कंट्रोल शिफ्ट एंड कर दिया तो लास्ट में आ जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट होम एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड दोनों समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात करते हैं कर्सर को मूव कैसे करेंगे, कर्सर को मूव कैसे करेंगे।
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं सबसे लास्ट में जा रहा हूँ, अभी तो डेटा कम है, मान लीजिए डेटा आपके पास ज्यादा हो सकता है, मैं यहाँ पे एक दो बार रिपीट कर देता हूँ इस तरह से। तो मान लीजिए मुझे इसको सबसे लास्ट में आना है, कैसे आएंगे? तो कंट्रोल के साथ एरो के साथ एक ही कॉलम एक एक सेल आएंगे, पर कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो इस्तेमाल करते हैं तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे। आप यूज करते हैं सबसे ऊपर में आ जाएंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में कैसे चला जाएगा, डाउन राइट लेफ्ट इस तरह से। तो कंट्रोल प्रेस करते हुए जो चारों एरो की है उसको यूज करेंगे तो कर्सर इसी तरह से चारों तरफ आपका मूव करेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको यहां ब्लैंक हुआ, ब्लैंक है, तो अगर मैं इस कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के साथ अगर डाउन करता हूं तो कर्सर मेरा उस ब्लैंक ऊपर आ जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग सिलेक्ट करके राइट एरो प्रेस किया तो सबसे राइट पे सबसे लास्ट में नहीं जाता है, वो सीरीज को फॉलो करता है कि फिल सीरीज एंड ब्लैंक सीरीज। तो ये आपका फिल सीरीज जहां पे खत्म होगा वहीं पे कर्सर रुक जाएगा। ऐसे मान लीजिए मैंने यहां पे नंबर डाला 50 और यहां से मैं कंट्रोल डाउन करूंगा तो ए जो है यहां नहीं आएगा, ये 50 से ऊपर आके रुक जाएगा, क्योंकि 50 जो है 50 पे हमारा ब्लैंक का सीरीज फिनिश हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे मेरे पास लाखों का डेटा है, उसमें बहुत सारे रो ब्लैंक है, फिर मुझे अपना डेटा सिलेक्ट करना है, तो उस केस में हम लोग यहां जो नेम बॉक्स देखा होगा फॉर्मूला वार से पहले आपके एक नेम बॉक्स होता है, इस नेम बॉक्स पे आते हैं और यहां पे एक एड्रेस दे देते हैं 65,000, 10 लाख, 5 लाख, ऐसे एक बड़ा अमाउंट डाल दीजिए। वो क्या होगा कि मेरा कर्सर उस एड्रेस पे चला जाएगा, यहां आ गया। अब यहां से मैं कंट्रोल के साथ अप पर एल यूज करूंगा तो मेरा सबसे लास्ट वाले डेटा पे पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट वाले डेटा पे। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो फिर मैं इसको स्क्रॉल करके और सबसे ऊपर ले जाऊंगा और यहां शिफ्ट के साथ क्लिक कर दूंगा, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। या समझ में आ गया सर आपको? तो कर्सर मूव करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो ट्रिक समझना है आपको मैन जी एंड मिलन जी? हाँ, यहां नेम बॉक्स आपको दिख रहा है ना, जहां पे किसी पे क्लिक कर तो उसका एड्रेस है, जाके कोई भी एड्रेस टाइप करेंगे, इसमें 65,000 टाइप किया, 6500 टाइप किया तो मेरा कर्सर डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाता है, पहुंच गया। अब यहां से मुझे अब यहां से ऊपर सारा ब्लैंक है तो मुझे अपने लास्ट डेटा पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं आप यूज किया तो मेरा उस डेटा पे पहुंच जाएगा क्योंकि नीचे सारा ब्लैंक है। ठीक है, क्लियर है? इसका इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल अपना ही आपको कि अगर आप शिफ्ट यूज करते हैं कंट्रोल के साथ साथ आप शिफ्ट को भी यूज करते हैं तो क्या होता है वो सिलेक्शन बनते जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, सिलेक्ट हो गया ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, मेरा सिलेक्ट हो गया, राइट एरो डाउन एरो। ओके सर, अब यहां एक चीज और होता है, ये तो हो गया। अब एक चीज और होता है कि मुझे कुछ कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, कुछ कुछ चीजें मैं कुछ कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है, तो हम लोग कंट्रोल पे क्लिक कर देते हैं और जहां जहां हम क्लिक करेंगे देखिए वो सिलेक्शन हो जाएगा। अब मुझे इस पे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह या कुछ डिलीट वगैरह करना है तो ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो कॉपी नहीं होगा। अगर आप मल्टी सेल को सिलेक्ट करके कॉपी करना चाहते हैं तो उसका एक रूल है, जैसे मुझे A1 को लेना है, D1 को लेना है, G1 को लेना है, JN को लेना है और M1 को लेना है। अब देखिए हमने अलग अलग कॉलम तो लिए हैं लेकिन रो सबका सेम है ना, मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकता हूं।
अब अलग अलग कॉपी हुआ लेकिन पेज इकट्ठा होगा। लेकिन वही मैं अगर मान लेते हैं मैंने A1 को लिया, D1 को लिया और H2 को ले लिया, अब एक कॉपी नहीं होगा। अब मुझे D1 और D2 को भी लेना पड़ेगा और मुझे इसको भी लेना पड़ेगा। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूं क्योंकि दोनों में सेम रोल है, राइट सर। तो मल्टी सेल सिलेक्ट करते समय इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आप मान लीजिए मैंने 5 रो लिया है तो अगले कॉलम के अंदर ही सेम 5 रो होना चाहिए, तभी वो कॉपी हो पाएगा, अदरवाइज आपका कॉपी नहीं होगा जब आप मल्टी सेल को सिलेक्ट करते हो कंट्रोल के साथ। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये तो हमने अभी जो बात की डेटा के अंदर जो सिलेक्शन होता है उनके सिलेक्शन के बारे में बात की, डेटा के अंदर किस तरह सिलेक्शन करेंगे ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब बात आती है कि क्या इस तरह से हम मल्टीपल सीट पे वर्क कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 5 सीट है, मुझे 5 सीट के A1 पे डेट डालनी है, तो जनरली आप लोग क्या करेंगे, यहां पे डेट लिखेंगे फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो आप क्या करें कि सबसे पहले वाले सीट पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें। ये सारा देखिए इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा जो नीचे सीट नेम आपको दिख रहा है, और ऊपर जो नेम होता है फाइल का उसके आगे ग्रुप लग जाएगा। अब मैं कुछ भी करूंगा तो पांचों सीट पे होगा, जैसे कि मैंने यहां पे डेट डाल दिया, डेट के ऊपर फॉर्मेट लगा दी, तो आप देखिए यहां सीट 4 में भी सेम, सीट 5 में भी सेम, सीट 2 में भी, सीट 3 में भी सेम है। तो मैं कैसे किया, हमने पहले वाले सीट पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे क्लिक कर लिया, ठीक है सर। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें कुछ कुछ सीट पे वर्क करना, मैं ये तो मैंने पूरा कर लिया ना, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सीट चाहिए तो कंट्रोल को प्रेस करें और उस पर्टिकुलर सीट को क्लिक कर लें। अब मेरा उसी पर्टिकुलर सीट पे ही कर्सर जा रहा है, कहीं और कर्सर नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर टाइम किया, टाइम लिख दिया, यहां पे टाइम डाल देता हूं और मैं इसको देता हूं सीट 4 में, देखे सीट 1 हो गया, सीट 4 ब्लैंक है, सीट 5 सीट 6 ब्लैंक है, तो जो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मेरा काम उसी सीट पे हुआ, बाकी सीट पे नहीं हुआ, ठीक है सर। क्लियर है? तो ये मल्टी सीट सिलेक्शन होता है। अब पूछिए सर कोई प्रॉब्लम है तो, क्या पूछ रहे थे आप मिलिंद जी, एनमाइन जी? पहले नहीं, पहले सिलेक्शन करने से पहले आप डेटा को चेक करोगे, पहले देखोगे कि ब्लैंक वगैरह तो है नहीं, तो ब्लैंक चेक करने के लिए क्या करना है, अब मैं बता रहा हूं। हाँ मैं वही चीज समझा रहा हूं आपको कि पहले आप डेटा को चेक करोगे ब्लैंक है या नहीं है, तो उसके लिए कैसे चेक करना है, आप स्टार्टिंग में क्लिक करो और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करो, ठीक है। कर्सर सबसे लास्ट में चला जाएगा, कर्सर से लास्ट में पहुंच गया एक बार में, इसका मतलब है कि इसमें कहीं ब्लैंक नहीं है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रेस कंट्रोल है, समझ गए। आपने देखा कि बहुत सारे ब्लैंक मिल रहे हैं आपको, एक दो बार प्रेस करके देखा बहुत सारे ब्लैंक मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में कर्सर को रखेंगे और यहां पे जो है सबसे स्टॉल करके सबसे लास्ट में आएंगे।
फाइल को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर या ऊपर में A65000 यहां टाइप करोगे, कोई भी एक बड़ा सा नंबर टाइप करते हो, उस लास्ट में चले जाओगे, देन कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करोगे, सबसे ऊपर आ जाओगे, ऊपर आ गया और लास्ट वाले सेल पे क्लिक करोगे और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम कर दोगे, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे डेटा कितना भी बड़ा हो और कितना भी ब्लैंक हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चेक द ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तभी इसे झमेला करना है, अगर ब्लैंक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अनयूजबल चीजें भी होती है, डेटा इसमें कुछ इस तरह से अनयूजबल चीजें है ना, अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, समझाया सर। तो यहां पे मैंने वही बताया था आपको, कंट्रोल के साथ होम का यूज, कंट्रोल सिर्फ होम यूज करें या कंट्रोल सिर्फ राइट एंड डाउन, अगर ब्लैंक ना हो तो कंट्रोल सिर्फ राइट एंड डाउन, ठीक है। चलिए, अब इतने सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको बता दिए, अब आपको याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं भी नोट भी कर लेंगे तो फिर भी नोट्स आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो अब मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि आपको अगर एक्सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सेल से रिलेटेड किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैन जी आप सुन रहे हैं सर, हेलो मैन जी, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लगा कि आप ओके। तो अब मुझे पता करना है किसी भी एक्स बारे में, मान लीजिए कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है कि क्या है कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी, आपको मैंने पढ़ाया था, भूल गए, थोड़ी सी हिंट दे देंगे तो याद आ जाएगी, तो उस पर आप कर्सर रखें, जैसे कर्सर रखेंगे कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी के शॉर्ट नोट्स आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहां आपको एक अलग मेनू बार में दिख जाएगा हेल्प के अंदर, ठीक है, सारे चीजें। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जनरली लोग जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते हैं वो कहां ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं गूगल में, बट गूगल में मैं ढूंढने के लिए मना करता हूं, आप गूगल में पहले मत ढूंढो, लास्ट होगा, क्यों, क्योंकि गूगल में दी गई इंफॉर्मेशन वो 100% फुल प्रूफ नहीं होती, वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल, वेबसाइट, वीडियो इस तरह से डालते हैं जो कि 100% सही हो, इसकी कोई अश्योरेंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक्सेल हेल्प के अंदर जो चीजें दी गई है एकदम अश्योर होती है कि इसमें दी गई हर एक इंफॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रूफ रीड किया। तो इसी के सर्च बार में एक्सेल हेल्प खोल लीजिए, F1 प्रेस करके खोल सकते हैं, या ऊपर इस पे क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं, टेल मी मोर देखिए आ जाएगा, इसमें आप सर्च करें शॉर्टकट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, अच्छा ले लेता है स्पेलिंग मिस्टेक की, कीबोर्ड शॉर्टकट, तो कीबोर्ड शॉर्टकट आप क्लिक करेंगे तो गूगल की आपको सर्च रिजल्ट, इसमें आपका कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल क्लिक करें। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेल का हेल्प जो है वो ऑनलाइन है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब यहां पे सारे एक्सेल की शॉर्टकट आपको यहां पे दिखने को मिलेगी, ठीक है सर, ठीक है सर, एक कंट्रोल एंड दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल आर पेज डाउन, पेज डाउन क्या होता है एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट पे मूव करने के लिए, ठीक है सर। तो ये शॉर्टकट है। अब यहां पे क्वेश्चन आते हैं, अब जैसे तो ढूंढना है हमारे किसी ऑप्शन के शॉर्टकट के बारे में पता करें किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के, तो उसमें जैसे आप करते रखेंगे ना उसका शॉर्टकट दिख जाता है,
लिखिए आंसर कंट्रोल प्लस वी और लिस्ट आपके सामने। देखिए मैं शॉर्टकट को बहुत कम यूज करता हूं, शॉर्टकट को कम यूज करने के पीछे रीजन ये है कि आप लोग मेरा कीबोर्ड तो देखते नहीं है, तो मैंने क्या प्रेस किया आपको पता ही नहीं चलेगा ना सर, ठीक है। इसलिए मैं पहली क्लास में शॉर्टकट दे देता हूं कि आप लोग शॉर्टकट्स को देखें। शॉर्टकट के अलावा कुछ लोग पूछते भी हैं लिमिट्स, सर कितने रो है, कितने कॉलम है, कितने सीट ऐड कर सकते हैं, कितने क्या है, कितने ये है, कितने वो है। तो इसके लिए भी आप जो कीबोर्ड शॉर्टकट आपने ढूंढा है वहीं पे आपको यही पे मिलेगा लिमिट्स, आप लिमिट्स को भी आप यहीं पे स्टडी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो लिमिट सर्च करें तो यहां पे आपको दिखेगा एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, ध्यान रखिएगा एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स, इसको आप ओके करें। तो यहां पे आपको जो है सारे एक्सेल के फीचर आ जाएंगे कि एक बार में कितने फाइल ओपन कर सकते हैं, कितने रो एंड कॉलम्स है, कितने कॉलम की हाइट है, कितने कॉलम की विड्थ है, पेज ब्रेक कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। यहां पे चीजें आती है कि शीट्स इन वर्कबुक ऐसे कितने शीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें बोल देते हैं अनलिमिटेड, एक गलत है क्योंकि सिस्टम में कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं होती है। देखिए अगर मान लीजिए मैंने अभी यहां पे 20 टाइप किया, अब जो 20 टाइप किया है तो मेरी मेमोरी में, मेरे रैम में कहीं ना कहीं छोटा सा स्पेस ने कैप्चर किया। अगर मैं 20 20 20 लिखते चला जाऊं तो कभी ना कभी मेरा हार्ड डिस्क, मेरा रैम फुल होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में हार्ड डिस्क रैम अनलिमिटेड नहीं है। मेरे सिस्टम में क्या, किसी भी सिस्टम में हार्ड डिस्क और रैम अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है सर, हेलो। इसलिए यहां पे कहा जा सकता है कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन सिस्टम कैपेसिटी। सिंपल से लिखा हुआ लिमिटेड अवेलेबल मेमोरी, सर लिमिटेड अवेलेबल मेमोरी बोलना किताबी भाषा होता है, ऐसा लगा कि किसी ने रट्टा मार के बोल दिया। इसके बिना तो आप ये बोल सकते हैं कि लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन सिस्टम कैपेसिटी, तो इससे पता चलता है कि हाँ बंदे ने अपने हिसाब से कुछ बोला है और करेक्ट है। क्या मैम जी सही बोल रहा हूं ना? देखिए इसमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि यहां पर देखिए आपका कॉलम का बिल्ड दिख रहा है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर एक सेल में कितने फॉर्मूला एंट्री कर सकते हैं, या इफ के अंदर कितने इफ लगा सकते हैं, या एड में कितने कंडीशन दे सकते हैं। तो यहां पर भी कोई लिमिट डिफाइन नहीं है। जो फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर जो आर्गुमेंट होता है ना, ए जो है 32,767 से ज्यादा होगा तो फॉर्मूला काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट्स के बारे में पता होना जरूरी है। जैसे एक बार एक प्रोग्राम मेरे पास आया था, उसमें कॉलम हेडर में कॉलम की जो विड्थ है वो कॉलम की विड्थ को कोड पे एरर आ रहा था, वो काफी दिन से परेशान था। तो हमने बोला कॉलम की विड्थ उसने फाइल उसने कोड लिख रखा था कि रेंज ए कॉलम ए वाई ए डॉट विड्थ इक्वल टू 500 और उसमें एरर आ रहा था, जबकि कोड बिल्कुल सही था, कोई गड़बड़ नहीं, फिर भी एरर आ रहा था, परेशान था। उसने मुझे व्हाट्सएप किया तो मैंने देखा और मैंने बताया कि जो कॉलम की विड्थ की जो साइज है वो 255 करेक्टर है, आप 500 क्यों डाल रहे हो। वो बोले सिर्फ मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा कॉलम चाहिए। हमने बोला कि बड़ा कॉलम आपको तभी भी लग रहा है जब इसकी कैपेसिटी में होगा, आप 255 से नीचे के लिए डालिए तो आपका कोड वर्क कर जाएगा, और वर्क कर गया। तो अगर ये लिमिटेशन के बारे में उसने पहले से पढ़ा होता तो इतना परेशान नहीं होता था, तो और मुझे भी परेशान न करता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको जो है ना संस्कृत के श्लोक की तरह और गर्लफ्रेंड के नंबर की तरह इसको रट जाओ, पर एक
बार कैजुअली इसको स्टडी कर लेना, ताकि जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आपके दिमाग की मेमोरी में प्रोसेस हो कि हाँ लिमिटेड तो प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट देखता हूँ। क्या मिलन जी सही बोल रहा हूँ मैं? हेलो, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। अब दो होमवर्क मैंने आपको दिया, पहला मैंने दिया आपको शॉर्टकट्स को पढ़ने की, दूसरा हमने दिया आपको लिमिट्स को पढ़ने की। अब तीसरा जो है उसको देख लीजिए। तीसरा जो होता है अवेयरनेस। देखिए आप लोग बहुत टाइम से एक साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल जीरो समझता हूं। मैं समझता हूं आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो है, इसलिए शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरी मानना है कि जब भी कोई चीज आप सीखते हैं तो उसकी सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप लोग इमेजिन कि आपने कभी गौर किया होगा कि हमें मोबाइल फोन के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं थी, बट कंप्यूटर को यूज करने से पहले हमने क्लासेस ज्वाइन किया था, क्या सर? बट मोबाइल फोन में नहीं थे, क्योंकि मोबाइल फोन पे हम हर 5 मिनट में एक बार तो मोबाइल फोन को जरूर ऑन अनलॉक करते हैं ना सर। तो हम उससे बहुत ज्यादा यूज टू और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं, इस कारण से मुझे इसकी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसी तरह से एक्सेल में भी आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, फाइल मेनू बार के ऊपर जाना है, उसके न्यू पे क्लिक करना है। जब उसके न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहां बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे बने बनाए, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, उस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको उसका बना बनाया फॉर्मेट मिलेगा, आप बस उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ आखिर इस तरह की चीजें भी हो सकती है, समझे? इसे देखिए। तो ऐसे से फायदा क्या होगा, जब आप खुद की रिपोर्ट बनाने बैठेंगे तो आपके रिपोर्ट में किस तरह का कलर यूज करना हो, किस तरह का पैटर्न हो, किस तरह का शेड हो, क्या डिजाइन हो, इसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है, आइडिया मिलेगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है यहां पे, देखिए। आपको चाहता था क्लियर करने के लिए। अब यहां पर मैं डेटा डालते चला जाऊंगा और ये हमारा अपने आप बनता चला, ठीक है। ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, 6, 7 ID बनता चला जाएगा और एक किसके अंदर में है वो आ जाएगा। ये रोल क्या है, स्टाफ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंट्री किया, इसमें तो बना बनाया टॉपिक है, इसको आप जो है यूज करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं और स्टाफ की जगह पे मैं इसको एग्जीक्यूटिव कर देता हूं। या फिर मान लीजिए मैं इसके अंदर ID 1 कर देता हूं, ID 1 रिफ्रेश। अच्छा एक नाम की दो आईडी नहीं हो सकती, आ गया सर। यहां ID 1 के नीचे एक आ गया ना यहां पे,
तो ये बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार इसको अपनी हिसाब से रिव्यू कर लीजिएगा, राइट सर।